क्या आपको पता है कि ब्लैक फंगस एग्जैक्टली है क्या? क्या है म्यूकोर माइसोसिस? इस ब्लैक फंगस का कोरोना से क्या रिलेशन है और इससे क्या खतरा हो सकता है? म्यूकोर माइसोसिस यानी कि ब्लैक फंगस पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसमें म्यूकोर माइसेटिस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये फंगस शरीर में तेज रफ्तार से फैलने लगता है। ये माइकर माइसेटिस एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा से मौजूद था, लेकिन इस बार अलग बात यह है कि कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद जिन जिन इंसान पे कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ है उनका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अलग स्टेट में होता है और इसी स्टेट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोगों पे हमला कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी कोविड से रिकवर्ड किए गए पेशेंट को ब्लैक फंगस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी वीक है या उनको HIV, डायबिटीज, कैंसर ऐसी बीमारी है, जिन लोगों को कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है उनके अंदर ये ज़्यादा जल्दी हमला करता है। जो लोग ज़्यादा देर तक ICU में भर्ती रहते हैं उन पे भी ये ऑर्गेनिज्म ज़्यादा जल्दी हमला कर देता है। ब्लैक फंगस होने के बाद इंसान को ब्लैकिश कलर्स दिखने लगता है और ब्लड विजन, चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत आती है। ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपके उन्हीं इंसेक्टेड सेल्स को रिमूव करता है और इसमें 4 से 6 हफ्ते तक का वक्त लग जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा या फिर खुद से किसी बीमारी के दवाई लेंगे, अगर कोई ऐसी ही दवाई खाता है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तब भी ये ब्लैक फंगस आप पे हमला कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दवाई खाएं। गाइज, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।